श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें मथुरा से गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास को सर्दी जुकाम और हल्के बुखार की शिकायत थी। स्वास्थ्य खराब होने की सूचना के बाद डॉक्टरों की एक टीम उनके पास पहुंची और उनका कोविड-19 टेस्ट कराया। टेस्ट में उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब होने की जानकारी जैसे ही स्थानीय अधिकारियों को मिली, वे सभी मौके पर पहुंचे और उनका हालचाल जाना। नृत्य गोपाल दास की तबीयत को लेकर मेदांता के डॉक्टर त्रिहन, स्थानीय अधिकारियों के अलावा मुख्यमंत्री योगी ने भी बात की। दरअसल बीते 5 अगस्त को श्री राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने के बाद नृत्य गोपाल दास श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा गए थे। जन्मोत्सव के बाद वे स्टेट बैंक स्थित राम मंदिर पर रुके थे। उनके मणिराम दास छावनी आश्रम को सैनिटाइज करने के साथ उनके उच्चाधिकारी समेत अन्य साधु संतों को होम क्वारंटीन करने के लिए इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का कहना है कि जिन्हें थोड़ा सा भी संक्रमण का अंदेशा हो या असर दिख रहा हो, वे तत्काल सूचना दें ताकि जांच कराई जा सके। पिछले 10 दिनों के भीतर महंत नृत्य गोपाल दास के संपर्क में आए लोगों की सूची बहुत लंबी है।